सो ये गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्मार्टफोन बताना हूँ जो कि आप लोगों को 5G देता है और आप लोग भी मॉडर्न डिस्प्ले आप लोगों को प्रोवाइड करेगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को सारे एक्सपेक्ट्स बताऊंगा किस पर क्या क्या मिलते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मोबाइल पर क्या क्या मिलने वाला है और आप लोगों के लिए मस्त वाला 5G स्मार्टफोन यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को 14,000 के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को ले जाता हूँ डायरेक्टली फ़ोन पर, जिसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का वो कौन सा स्मार्टफोन है। सो इस स्मार्टफोन का नेम है यहाँ पर ओप्पो का M3 Pro 5G जो कि आप लोगों को 14,000 के रेंज पर मिल जाता है, जिस पर आप लोगों को 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतर है। और आप लोगों के लिए ये एक 5G फ़ोन मिल जाता है जो कि बाहर आप लोगों के रेंज पर भी है। अगर आप लोग 2 से 3 साल आप लोग अगर फ़ोन चलाना चाहते हो तो ये विथ 5G आता है, विथ 7 5G बैंड्स। इस पर आप लोगों को दोनों सिम स्लॉट आप लोगों को 5G मिल जाएंगे। और आप लोगों को बता, प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को Dimensity 700 आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आप लोगों को मीडिया टेक की तरफ से मिलता है। ये 6mm बेस्ड प्रोसेसर है जो कि आप लोगों को कम बैटरी खाएगी और आप लोगों का बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखते हो सभी स्पेक्स यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को मीडिया टेक Dimensity प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि आप लोगों को बताया ही। यहाँ पर आप लोगों को 48 megapixel +2 megapixel +2 megapixel कैमरा मिल जाएगा जो 48 megapixel कैमरा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है 6.5 इंच का जो कि आप लोगों को नॉच के साथ नहीं मिलता है, वो आप लोगों को पंच होल के साथ मिल जाता है जो कि आप लोगों का सेंटर पंच होल है जो कि आप लोगों को रेडमी स्मार्टफोन पर दिखता ही होगा, रेडमी का नोट 10 में होगा। यहाँ पर आप लोगों को 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। 5G डुअल 5G है, मतलब दोनों 5G ही है, दोनों स्लॉट 5G ही है। और आप लोगों को 4G वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताना कैसा है ये स्मार्टफोन। और सेल्फी के लिए 8 megapixel कैमरा मिल जाता है और 18W फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि आप लोगों को टाइप सी के साथ मिलता है। और डिस्प्ले पर आप लोगों को 90Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज पर कोई इस तरह वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप लोगों को इस फोन को बाय करना है इसी वक्त तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा इसका, जिस पर जाके आप लोग इसको बाय कर सकते हो। ये पोको का फर्स्ट 5G फोन जो कि इतने कम प्राइस पर आया है। ये फ्लिपकार्ट का पहला 5G फोन होगा जिस पर आप लोगों को 5G मिलता है अंडर 14,000। तो आप लोग देख सकते हो कलर भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 कलर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ये आप लोगों को बता रहा हूँ वो यहाँ पर मैं आप लोगों को कलर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर येलो और पावर ब्लैक मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ आप लोगों को ब्लू भी मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग सभी स्पेक्स देख सकते हो। आप लोगों को डिस्प्ले पर 90Hz का स्मूथ रिफ्रेश मिल जाता है। इसका मेन पर्पस है 5G। अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को 2 से 3 साल चलाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाना। सो मिलते हैं यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स गो, बाय बाय।